हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। शाम का टाइम हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं और आज मैं चाय पीने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो अभी मैं चाय लेके बैठी हूँ यहाँ पे, एकदम फुल कप भर रखा है मैंने और साथ में बिस्किट खा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ हर्षिता भी बैठी है। हेलो। हेलो। वो भी अपना दूध पिएगी। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से एकदम अलर्ट होकर सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी इसमें जो लोगों के साथ आजकल हो रही है। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था मेरा। मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिली थी, मिलने आई थी और हम काफ़ी देर तक बात कर रहे थे, तो उनके साथ क्या क्या हुआ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आजकल नहीं, ये लगभग 1 से 2 साल हो गया है बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, वीडियो का आप स्किप कर करके देखते रहे, तो मेन चीज़ हो सकता है आप छोड़ जाएँ वहाँ पे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी के भी साथ इस तरीके के फ्रॉड ना हो। और क्या है वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। बस जस्ट मैं चाय पी लूँ, फिर आपको पूरी डिटेल मैं बताऊँगी और साथ साथ में कुछ क्लिप्स भी मैं इसमें ऐड करूँगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या कह रही हूँ, कैसे कैसे वो सब हो रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ भी आप कहना चाहें या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। कभी कभी ना इंसान का माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आज मैं लगभग 2-3 घंटे से उनकी बातें सुन रही थी, उन्हीं के साथ थी। तो सोचते सोचते मेरे साथ अक्सर होता है, मैं परेशान हूँ या ज़्यादा खुश हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मैं चाय बार बार बना लेती हूँ कई बार। तो अभी उनके जाने के बाद 15-20 मिनट में सोच ही रही थी, और फिर मैंने चाय बनाई तो चाय में चीनी डालनी भूल गई। एक लॉन्ग टाइम बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि चीनी डालनी भूल गई। अभी मैं चीनी का डब्बा उठा के लेके आई थी और अब चीनी मिक्स करिए तो पी रही हूँ चाय को। क्योंकि मतलब दिमाग वही है कि क्या क्या हो रहा है संसार में, बड़ी तकलीफ होती है सोच सोच। सही बात है। आज मेरे पास मेरी एक फ्रेंड आई थी, उनके साथ कुछ हुआ तो वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। तो मैं चली, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए इसे शुरू करती हूँ। हुआ क्या कि वो एक वीडियो देख रही थी। आप मैं सभी YouTube पे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो एक वीडियो देख रही थी, वीडियो देखते देखते उन्हें वो अच्छी लगी, तो उन्होंने उस क्रिएटर को एक मैसेज कर दिया। जनरली जैसे हम लोग कर देते हैं कि आपकी वीडियो अच्छी है या ऐसी है वैसी, कुछ भी जो भी लिख देते हैं। तो उन्होंने तो जेन्युइन वे में अपना कमेंट किया था, एक्चुअली मैसेज शायद मेरे मुंह से निकल गया, कमेंट किया था उन्होंने। तो 2 से 3 दिन बाद उनके पास उस कमेंट के अंदर एक रिप्लाई आता है, जो कि उसी वीडियो के जो क्रिएटर हैं उन्हीं की DP को यूज़ किया गया था वहाँ पे। और उस वहाँ से कमेंट का रिप्लाई कैसे आता है वो मैं आपको शो करूँगी साइड में, आप देखिएगा कि वो जो बंदा है वो डायरेक्ट मैसेज में ही लिख रहा है कुछ, वहाँ पे कमेंट में कुछ लिख नहीं रहा है, उसने साइन लैंग्वेज को यूज़ किया है, इमोजीज़ को। और इमोजीज़ को यूज़ करके आजकल सभी जानते हैं कि इमोजी का मीनिंग क्या होता है, सबको पता होता है। उसके उसमें लिखा था कि इमोजी के थ्रू आप मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क करिए। तो क्योंकि उन्हें वो वीडियो क्रिएटर जो हैं वो बहुत पसंद हैं, उनकी वीडियोस देखना उन्हें बहुत पसंद है, तो उन्होंने जनरली वहाँ पे टेलीग्राम पे उनसे कांटेक्ट किया। फिर आगे क्या होता है, बहुत अच्छे से उन्होंने कन्वर्सेशन करी उनके साथ, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराया कि वो बंदा सही है या गलत है, एकदम जेन्युइन वे से, एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश कही जाती है उसमें बात हो रही थी, अच्छे से उन्होंने बात करी। और उन्होंने उनसे कहा कि हम एक गिव अवे कर रहे हैं जिसमें हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है और हर किसी को हम गिफ्ट नहीं देते हैं, तो आपको सिलेक्ट किया गया है, आपको चूज़ किया है, तो आप इसमें से जो चाहें वो चीज़ ले सकते हैं। तो उन्होंने 4 से 5 उन्हें ऑप्शन दिए, तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने वो सिलेक्ट किया और फिर उनके साथ बात करी। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था एक्चुअली कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। बट फिर जब उन्होंने थोड़ा सा उनको फोर्स किया कि नहीं नहीं ये ऑफ़र सबको नहीं मिलता है, आप हमारे जेन्युइन व्यूवर हैं, आप कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखते हैं लाइक दैट, ऐसे सब बोलते रहे, तो फिर उन्होंने बाद में ओके कर दिया और उन 5-6 जो भी लिस्ट उन्होंने दी थी उसमें से एक गिफ्ट को सिलेक्ट कर लिया।
फिर उसके बाद वो बहुत पोलाइटली उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, और इतने अच्छे से उनसे पूछा कि आपको आपने यही वाला गिफ्ट क्यों चूज़ किया है। तो उसका उन्होंने रीज़न बता दिया कि उन्होंने क्यों चूज़ किया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बाद में कहते हैं ओके हम रेडी कर देते हैं आपके गिफ्ट को, आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको सिर्फ एक नॉमिनल सा अमाउंट होगा जो कि डिलीवरी चार्ज होता है वो आपको पे करना है और आप उसे ले लीजिएगा। तो जब चार्ज की बात आई तब फिर अगेन इन्होंने मना किया कि मैं पे नहीं कर पाऊंगी, कि भाई बहुत ज़्यादा मेरे पास अमाउंट वगैरह नहीं है, पता नहीं कितना चार्ज लग जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप रहने दीजिए मत दीजिए मुझे। तब फिर वो बोले कि देखिए कि ये ऑफ़र सबको नहीं दिए जाते हैं, आप ले लीजिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, वो छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा। इट्स ओके वो हाँ कर दिया उन्होंने। तो जो भी उन्होंने चीज़ सिलेक्ट करी थी, आई थिंक कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, तो उन्होंने फिर उसका पेमेंट करने के लिए बोले आप मेरे डिलीवरी एजेंट से बात कर लीजिए, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। अगेन उस मैसेज पे कन्वर्सेशन कम हो गई जिनसे वो बात कर रही थी। फिर एक उन्होंने एक लिंक शेयर किया उनको वहीं पे डिलीवरी एजेंट का, तो फिर वहाँ से उन्होंने उनसे डिलीवरी एजेंट से बात करने ली, और बहुत जेन्युइन तरीके से बात होती है दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रही हूँ क्योंकि जब मैं उनके मैसेज वगैरह सब पढ़ रही थी, देख रही थी ना, तो बहुत जेन्युइन तरीके से बात होती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ डील जो कर रहा है वो इंसान सही है कि गलत है, आप फील ही नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो उन जो डिलीवरी एजेंट था, मतलब इसी नाम से उन्होंने वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रखा था टेलीग्राम पे, उन्होंने बोला कि आप मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए क्या बात हुई है, आप क्या जीते हो ये वो। तो उनको भी जेन्युइन लगा तो उन्होंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए, सारे उन्हें सेंड करे, बहुत अच्छे से बात करते रहे करते रहे। फिर उनको बोले कि ओके आपको डिलीवरी चार्ज पे करना है जो कि आपका अमाउंट है 2750 रुपये, बस आपको इतना पे करना है और आपका ये प्रोडक्ट पैकेज जो है आपका ये आपके घर पहुंच जाएगा, कल पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियसली 2750 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, तो उन्होंने पहले सोचा करूं नहीं करूं, फिर भाई प्रोडक्ट के हिसाब से अगर वो कैलकुलेट करें तो उन्हें लगा कि ठीक है इतने में अगर मुझे अच्छी चीज़ मिल जा रही है तो क्या लॉस हो रहा है। उन्होंने वो तुरंत फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करके कर दिया, क्योंकि उनसे पूछा तो उन्होंने डिलीवरी एजेंट ने उनसे पूछा कि किससे करेंगे, यूपीआई से, फ़ोन पे से, गूगल पे से, ऐसे मेंशन करके उनको बोला, तो उन्होंने फ़ोन पे सिलेक्ट किया और उनको 2750 रुपये पे कर दिए। और पे करने के प्रोसेस में भी इतना लंबा वो होते रहे, अब ऐसे स्क्रीनशॉट दीजिए, अब ऐसे दीजिए, मतलब आपको वो जेन्युइन फील कराने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें उनसे लेते रहे। ओके, जब उन्हें कंफर्म हो गया कि 2750 रुपये उनके पास पहुंच गए हैं, तब उन्होंने क्या किया कि बोले कि ठीक है हम आपके पैकेट को रेडी कर रहे हैं, बस आपको एक और पेमेंट करनी है जो कि 500 रुपये है, उसको पे करेंगे आप तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी और एक चीज़ और बोले थे, ट्रैकिंग आईडी और हाँ ओटीपी वो आपको सेंड किया जाएगा, और जब आप रिसीव करेंगे उसको तो आपको ओटीपी देना होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ओटीपी हमें सेंड करना पड़ता है ना पेमेंट करते हैं जब, वैसे, और ट्रैकिंग आईडी हमें ट्रैक करने के लिए। तो ये भी बात एकदम जेन्युइन थी, उन्हें लगी, तो 500 रुपये का अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं था। हालांकि उन्होंने फिर पूछा उनसे कि 500 रुपये मैं पे नहीं करूंगी, अब आप मुझे उतने में ही दीजिए प्रोडक्ट, 2750 जो मैंने पे कर दिया। पर वो बोले कि नहीं मैम ऐसे नहीं हो पाएगा, कि कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको जस्ट एक छोटा सा बस 500 रुपये और पे करना है और आपको मैं ट्रैकिंग आईडी और क्या था वो ओटीपी दे दूंगा। ओके, देन अगेन फिर उन्होंने 500 रुपये पे करने से पहले पूछा कि कोई और भी हिडन चार्जेस है तो अभी बता दीजिए, बाद में मत बताना, जैसे आपने वो पे होते ही ये बताया। तो बोले हाँ एक आपको 1000 रुपीज़ और पे करना होगा। सॉरी, तो उन्होंने फिर क्लियर मना कर दिया क्योंकि वो अमाउंट धीरे धीरे करके 5000 रुपये तक जा रहा था। तो फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, उन्होंने मेन बंदे से बात करी और उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तो उनका 1000 हटा दो, अभी 500 रुपये ले लो। तो उन्होंने 500 रुपये बोले कि ठीक है आपको 1000 नहीं पे करने हैं, वो हमारी बात हो गई है, आपको सिर्फ 500 पे करने हैं, जैसे ही आप पे कर देंगे तो कल 2 बजे तक आपके पास आपका पैकेज, आपका सामान, जो भी आपका गिफ्ट है पहुंच जाएगा। तो
तो उन्होंने 500 रुपये भी पे कर दिए। अब ना उन्होंने बात करी, दोनों साइड से कन्वर्सेशन हो गई थी बंद। अब वेट था अगले दिन का कि अगले दिन क्या होने वाला है। तो अगले दिन अप्रॉक्सीमेट 11 से 12 के बीच में मैसेज आया उनके पास, हाय मैम। तो रिप्लाई किया तो बोले कि मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा मैं आपको मैसेज करता हूँ। ओके, वो बंदा कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया उसने, बस सीधा एयरपोर्ट पे, पता नहीं कौन से एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं ये कन्वर्सेशन पढ़ रही थी तब मैंने देखा। तो क्योंकि उसने 2 बजे का टाइम दिया था आने का, उसने लगभग 2:20 के आसपास बोला कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ और यहाँ पे मुझे कस्टम वाले पुलिस वालों ने रोक लिया है, कस्टम चार्ज पे करने के लिए कह रहे हैं, जब तक वो पे नहीं होगा ये मुझे आने नहीं देंगे, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। अब उनके दिमाग में एक्चुअली कहते हैं ना कि दिमाग की घंटी बजी कि अब कुछ गलत है, हम क्यों कस्टम चार्जेस पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने मैसेज में पहले ऑलरेडी बोल दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन रिसीप्ट कस्टम चार्जेस वगैरह वो 2750 में पे हो गया था सब कुछ, तो अब क्यों करना है। तो वो बहुत पीछे पड़ा उस समय उनके कि आप पे कर दीजिए मुझे यहाँ से, मतलब मैं फंस जाऊँगा, मैं निकल नहीं पाऊँगा और आपका गिफ्ट मेरे पास है, आप जल्दी पे कर दीजिए, आप कैसे पे कर रहे हैं। तब इन्होंने पूछा कि आप कौन से एयरपोर्ट पे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं गांधी एयरपोर्ट, गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे कुछ करके। तो फिर पूछा गया कहाँ, दिल्ली, तो बोले हाँ। तो फिर कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, जब आप आए कहाँ से हैं, क्योंकि ये सब बातें पहले नहीं हुई थी, लेकिन जब होता है ना कि उस समय तो नॉर्मल सी कन्वर्सेशन चल रही थी, किसी का भी दिमाग नहीं चलता है कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जो उन्होंने बोला मुंबई, तो मुंबई टू दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत थी, मुंबई टू वाराणसी भी आ सकते थे, और जब आप मुंबई टू दिल्ली गए हैं दिल्ली टू वाराणसी आप आएंगे, आप इतना फ्लाइट का खर्चा क्यों लगा रहे हैं, आप सीधे आए होते और जब आपके पास इतना पैसा लगाने का है तो आप कस्टम चार्जेस भी पे कर दीजिए, जो भी है अमाउंट नहीं उन्होंने डिस्कस किया कितना पे करना है कितना नहीं, बट कस्टम चार्जेस का वो नाम लेते रहे। और उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटे उनका उनको डिस्टर्ब किया, मैम आपका पे कर रहे हैं कब पे कर रहे हैं, तो फाइनली उन्होंने नहीं पे किया। और उसी समय मेरे से उनकी बात भी हो गई थी, तो क्योंकि मैं बहुत लोगों का ये सब सुन चुकी थी तो मैं उनको बोली कि अब लास्ट में साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी जाएगी इनकी, तो आप बोल दीजिए कि मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर रही हूँ, जेन्युइन बंदे नहीं लग रहे हैं ये वो। हालांकि मुझे ये भी पता था कि जैसे ही आप ये साइबर क्राइम का उनके आगे नाम लेंगे वो आपको ब्लॉक कर देंगे, तो मैंने कहा अगर आपको लगता हो ठीक तो आप करके देख लीजिए। तो हम लोग पहले देखते रहे क्योंकि हम कॉल पे बाद में बात कर रहे थे जब लास्ट में। तो फिर एक्चुअली क्या हुआ ना, वो बार 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 उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था वो बंदा, तो इन्हें गुस्सा आने लगा, जिसको कहना गुस्से में भी गाली वाली देने का ही मन कर जाता है इंसान का। तो फिर लास्ट में उन्होंने बोल दिया उनको कि मेरी पेमेंट आप रिफंड करिए, मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं आपकी साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर रही हूँ। तो जैसे ही इन्होंने ये बात कही, इस डिलीवरी एजेंट ने भी और वो मेन बंदा जो उस कंटेंट क्रिएटर की आईडी को इस्तेमाल कर रहा था, उनकी फ़ोटो को यूज़ कर रहा था, उन दोनों ने इनके नंबर को ब्लॉक कर दिया। हालांकि साइबर क्राइम में कॉल कर दी गई है, उनको हमने बता दिया है, सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कर दी हैं, और इवन आज जब मेरी उनसे सारी बात हुई, मैंने वो सारी चीज़ें देखी, सारी थी घटना दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, सबकी देखिए, बट कमेंट के रिप्लाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी है कि हमें कैसे पता चलता है कि वो फ्रॉड है। कंटेंट क्रिएटर को अगर आपको अपना नंबर देना है तो पहली चीज़, मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि वो आपको अपनी वीडियो में बताएंगे, वो अपनी वीडियो के अंदर अपना कोई भी नंबर आपसे शेयर करेंगी, या सेकेंड पॉइंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के देंगे। तीसरी बात आती है अबाउट में भी लिख सकते हैं वो। तीसरी बात आती है कि कभी भी कोई भी कंटेंट क्रिएटर जल्दी से आपको अपना नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं देता है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में ही देखेंगे, अगर आप कोई भी आप वीडियो चला के देख लीजिएगा इसके बाद, वहाँ पे आईडी बनी होगी, नाम भी उनका यूज़ होगा, और वहाँ पे ऊपर ही नंबर आपको शो करेगा और कहेंगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप एक बार कॉल करिए हमें, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ बी अलर्ट,
मत फंसाइए अपना पैसा, क्योंकि पैसा बहुत कीमती चीज़ है, बड़ी मेहनत के साथ हम लोग उसे कमाते हैं, बचाते हैं, ऐसे बर्बाद मत होने दीजिए। इवन किसी के साथ अभी तक ये हो रहा है या अभी लेटेस्ट भी किसी के साथ हुआ है, तो तुरंत क्राइम, साइबर क्राइम में कॉल करिए। 1930 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी सारी वहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा अलर्ट रहें, सतर्क रहें और अपने पैसे को बचा कर रखें। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कोई भी पॉइंट आपने स्किप किया होगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा कि मैं क्या क्या बताई हूँ इस वीडियो के अंदर, तो एक बार जाकर दोबारा से चेक कर लीजिएगा। तो यही मैसेज मैं आप लोगों को पहुंचाना चाहती थी अपनी इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी है, अगर समस्या हमें यहाँ मिल रही है तो समाधान भी हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो समस्याओं में फंसने से अच्छा है कि समाधान को ढूंढ लिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए, जो सावधान इंडिया वाले भी हमें बोलते हैं। बाय बाय।